भीषण गर्मी के मौसम में चल रहा बेमौसम बारिश का दौर खत्म होने के फिलहाल कोई आसार दिखाई नहीं दे रहे। गत रोज मौसम ने एक बार फिर करवट बदली और कई इलाकों में बेमौसम बारिश होने के साथ ही कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि हुई। यह सिलसिला और भी दो दिनों तक जारी रहने का पूरा अनुमान जताया गया है, जिसके चलते पूरे विदर्भ क्षेत्र के लिए ऑरेंज अलर्ट तथा राज्य के अन्य इलाकों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। प्रादेशिक मौसम केंद्र द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक अगले दो दिन के दौरान विदर्भ क्षेत्र में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है, साथ ही कई स्थानों पर बारिश और कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि हो सकती है। मौसम विभाग ने पश्चिम विभाग के सभी 5 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट को कायम रखते हुए 28 अप्रैल तक बारिश का मौसम कायम रहने की बेमौसम बारिश होने की संभावना जताते हुए कई इलाकों में हल्के से मध्यम बारिश का अनुमान जताया है। जिले में विगत 18 मार्च से 25 अप्रैल की कालावधि के दौरान 40 दिनों में करीब 6 बार तेज आंधी तूफान के साथ बेमौसम बारिश व ओलावृष्टि की मार जिले पर पड़ी, जिसकी वजह से किसानों के मुंह तक आया निवाला छिन गया और इस आपदा की वजह से जिले में करीब 5000 हेक्टेयर क्षेत्र में रबी फसलों से साग सब्जियों फल बागानों का बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। पूर्व मंत्री व विधायक यशोमती ठाकुर की पहल पर मोजरी में रामचंद्र युवक कल्याण संस्थान द्वारा अपने सामाजिक दायित्व के तहत तिवसा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र अंतर्गत आने वाली तहसीलों के कई जरूरतमंद बुजुर्गों को बुढ़ापे की लाठी का सहारा दिया गया। साथ ही कई गांवों में रक्तदान शिविर भी आयोजित किए गए और ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को होने वाली दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए उन्हें मासिक धर्म के प्रति जागरूक करने हेतु अभियान चलाया गया। सन 2010 से अमल में लाई जा रही रमाई आवास योजना के तहत राज्य में मातंग समाज के पात्र व्यक्तियों को वर्ष 2023-2024 में 25,000 घर कुल का लाभ देने का निर्णय हुआ है। इसके तहत अमरावती जिले में मातंग समाज को 1,100 घर कुलों का लाभ दिया जायेगा, ऐसी जानकारी समाज कल्याण विभाग की सहायक आयुक्त माया केदार द्वारा दी गयी है। राज्य के कृषि मंत्री अब्दुल सत्तार की अध्यक्षता में आगामी शुक्रवार 28 अप्रैल को अमरावती विभाग की खरीफ पूर्व समीक्षा बैठक आयोजित की गई है, जिसमें अमरावती संभाग में शामिल 5 जिलों के जिलाधिकारी व कृषि प्रशासन के अधिकारी उपस्थित रहेंगे। इस बैठक में आगामी खरीफ सीजन को ध्यान में रखते हुए खाद, बीज व कीटनाशक आदि की उपलब्धता, आवश्यकता व विविध कृषि योजनाओं पर अमल को लेकर समीक्षा व चर्चा की जाएगी। अमरावती महानगर पालिका के उपायुक्त जुम्मा प्यारेवाले ने आज महानगर पालिका में विविध विभागों का दौरा करते हुए वहां चल रहे कामकाज का निरीक्षण किया, साथ ही मुख्यालय की रचना व विभागों की व्यवस्था को जाना। नारियल चुनाव चिन्ह लेकर अमरावती फसल मंडी में अड़त व्यापारी निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्याशी रंजीत हाड़े के चुनावी घोषणा पत्र का विमोचन आज रचलपुर के विधायक व प्रहार जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष बच्चू कड़ू के हाथों किया गया। इस समय बड़ी संख्या में अड़त व्यापारी वर्ग उपस्थित थे। हाड़े ने बारिश से होने वाले नुकसान को देखते हुए किसानों व व्यापारियों के लिए अलग अलग शेड की व्यवस्था करने तथा मंडी परिसर में किसानों के भोजन व निवास की व्यवस्था करने के साथ ही कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था अल्प दर में करने सहित कई आश्वासन दिए। रणजीतच्या मागं प्रहार आहे, बच्चू कडू आहे, तुम्ही टीम आहे, त्याचं काम कमी करणार आमची पूर्ण ताकद त्याच्या बाजूने लावण्याचा आम्ही प्रयत्न करू। बाजार समिती पाहिलं तर हा रोज व्यवहार असणारा आणि रोज लोकांच्या संपर्कात येणारा असं एक क्षेत्र आहे आणि यामध्ये खूप महत्वाची क्रांती पण आपण करू शकतो। आगामी 28 अप्रैल को होने जा रहे कृषि उत्पन्न बाजार समिति के चुनाव में अड़त व्यापारी निर्वाचन क्षेत्र से राजेश पाटिल ने दावेदारी पेश की है और उनकी उम्मीदवारी का अमरावती फसल मंडी के अड़त व्यापारी निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं द्वारा जमकर समर्थन किया जा रहा है। साथ ही उनके द्वारा शुरू किए गए प्रचार अभियान को अड़त व्यापारी निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं की ओर से बेहतरीन प्रतिसाद भी मिल रहा है। कृषि उपज मंडी के आगामी 28 अप्रैल को होने वाले चुनाव में अड़त व्यापारी निर्वाचन क्षेत्र से दावेदारी पेश करने वाले सतीश अटल भी इस समय प्रचार में काफी आगे दिखाई दे रहे हैं और उनका प्रेशर कुकर चुनावी चिन्ह इस समय बढ़त बनाए रखने के साथ ही अन्य प्रतिस्पर्धियों पर भी जमकर प्रेशर बना रहा है। मंडी संचालक पद के लिए दावेदार रहने वाले सतीश अटल की चुनावी प्रचार अभियान ने इस समय शानदार रफ्तार पकड़ी है। इसके साथ ही फसल मंडी के चुनाव में अड़त व्यापारी निर्वाचन क्षेत्र से दावेदार रहने वाले पूर्व मंडी संचालक प्रमोद इंगोले इस बार बैटरी टॉर्च के चुनावी चिन्ह के साथ मैदान में हैं और अपने बैटरी टॉर्च से मंडी के कामकाज को जगमगाने की तैयारी कर रहे हैं। अड़त व्यापारी मतदाता सदस्यों द्वारा पिछली बार की तरह इस बार भी प्रमोद इंगोले की दावेदारी का जमकर समर्थन किया जा रहा है और चुनाव प्रचार के दौरान इंगोले को अमरावती और भातसुली तहसील क्षेत्र के मतदाता सदस्यों का शानदार प्रतिसाद मिल रहा है। आज यहाँ बुलाई पत्रकार परिषद में जिले के पूर्व सांसद अनंत गुढ़े ने कहा कि गांधी चौक स्थित गनेडीवाल चौल नामक एक मंजिला इमारत के किरायेदारों को बाहर निकालकर इमारत खाली कराने के लिए इमारत मालिक ने एक अभियंता व मनपा अधिकारियों के साथ मिली भगत करते हुए इमारत को गिराने का षड्यंत्र रचना शुरू किया है, जिसके तहत इस पक्की इमारत को जर्जर बताकर इसे गिराने का प्रयास किया जा रहा है। जिला ऑटो यूनियन की ओर से आज यहाँ बुलाई पत्रकार परिषद में यूनियन के नेता व उद्योजक नितिन मोहन ने कहा कि सिटी बस सेवा के पुराने ठेकेदार द्वारा मनपा की जितनी भी रॉयल्टी डुबाई गई वो जनता का पैसा है, अतः उसकी वसूली मनपा आयुक्त की जेब से होनी चाहिए। साथ ही आरटीओ का बकाया रहने वाला लाखों रुपयों का यात्री व बाल संगोपन कर आरटीओ की जेब से वसूल किया जाना चाहिए और ऐसा होने तक नए ठेके को बिल्कुल भी मंजूरी नहीं दी जानी चाहिए।
आज यहाँ बुलाई गई पत्रकार परिषद में घनश्याम आकुड़े ने बताया कि भीम टेकड़ी बौद्ध विहार का लोकार्पण आगामी 4 मई को किया जाएगा, जिसमें थाईलैंड से मंगवाई गई 10 फीट की बौद्ध मूर्ति का अनावरण भी किया जाएगा। इस समय थाईलैंड के 20 बौद्ध भिक्खु व 30 बौद्ध उपासक भी उपस्थित रहेंगे। मराठा आरक्षण की लड़ाई तीव्र करने समन्वय समिति, क्रांति मोर्चा व सकल मराठा समाज ने आगामी 6 मई को पिंपरी चिंचवड़ में यलगार परिषद का ऐलान किया है। समिति के अध्यक्ष सुभाष जावले ने बताया कि पूरे प्रदेश से मराठा समाज बंधु इस परिषद में सहभागी होंगे। भीम ब्रिगेड के संस्थापक अध्यक्ष राजेश वानखड़े पर दर्ज अपराध तुरंत रद्द करने की मांग युवक कांग्रेस द्वारा की गई है। युवक कांग्रेस के पदाधिकारियों ने आज इस विषय को लेकर शहर पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी को निवेदन सौंपा। साथ ही कहा कि सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद इस मामले में कोई कार्रवाई होनी चाहिए थी। शहर के बीचों बीच स्थित तहसील कार्यालय परिसर में पशु वैद्य की दवाखाने के ठीक बगल में हनुमान जी का प्राचीन मंदिर है, जिसकी अच्छी खासी ख्याति व्याप्त है और यहाँ पर दर्शन हेतु दूर दराज से भाविक श्रद्धालु आते हैं। लेकिन यह शहर का एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसके एक ओर कचरा कुंडी व दूसरी ओर मूर्ति घर है। ऐसे में हनुमान भक्तों की भावना आहत होती है। इस आशय की जानकारी देते हुए प्राचीन हनुमान मंदिर बचाव कृति समिति द्वारा मनपा आयुक्त को ज्ञापन सौंप कर कहा गया कि इस कचरा कुंडी और मूर्ति घर को तत्काल यहाँ से हटाया जाना चाहिए। पुलिस भर्ती में शामिल प्रत्याशियों ने जिलाधीश को ज्ञापन सौंपते हुए मांग की कि जिस प्रत्याशी ने एक से अधिक जिले में आवेदन भरे हैं, विशेष तौर पर मुंबई और अमरावती में भी फिजिकल दिया है, ऐसे विद्यार्थियों के नाम हटाकर संशोधित सूची जारी की जाए। जीजो ब्रिगेड की महिला सदस्यों ने जिलाधीश पवनीत कौर को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि विवाह समारोह में होने वाले अनाप शनाप खर्च और मृत्यु के समय अंधश्रद्धा, अनिष्ट रूढ़ी व प्राचीन परंपराओं को बंद कराया जाए। हमाल संगठन के पदाधिकारियों ने ढोल बाजे के साथ मोर्चा निकालकर हमालों को अस्पताल का खर्च दिए जाने जैसी विभिन्न मांगों को पूरा करने के लिए सहायक कामगार आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। महज 20 रुपए की कंसल्टिंग फीस में अपनी सेवाएं प्रदान करने वाले वरिष्ठ दंत चिकित्सक डॉक्टर सैयद अबरार द्वारा विभिन्न सामाजिक कामों में सक्रिय सहभाग लिया जाता है, जिसके चलते उन्हें इससे पहले भी विभिन्न स्तरों पर कई बार सम्मानित किया जा चुका है। साथ ही विगत दिनों उन्हें अजय भारत पुरस्कार मिला है। इस उपलब्धि हेतु शहर के कई गणमान्य नागरिकों द्वारा डॉक्टर सैयद अबरार का भावपूर्ण सत्कार करते हुए उनका अभिनंदन किया गया। केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष सौरभ मालानी के जन्मदिवस पर हेलीप्लॉट स्थित अग्रसेन भवन में आयोजित कार्यक्रम में 75 से अधिक शुभ चिंतकों ने रक्तदान कर सौरभ मालानी को बधाई दी। साथ ही इस अवसर पर 70 से अधिक वरिष्ठ दवा विक्रेताओं का स्नेहिल सत्कार किया गया। मनपा की विशेष कार्यकारी अधिकारी सीमा नेताम की उपस्थिति में आज पूर्व जोन क्रमांक 3 दस्तूर नगर अंतर्गत MIDC परिसर में प्लास्टिक मुहिम अभियान चलाया गया और अग्रवाल प्लास्टिक नामक फर्म से 6400 किलोग्राम यानी 2 किलो प्लास्टिक पन्नी व रॉ मटेरियल बरामद करते हुए जब्त कर लिया गया। यवतमाल के तहसील भूमिलेख अभिलेख कार्यालय के उपाधीक्षक विजय राठौड़ को अमरावती ACP के दल ने शिकायतकर्ता व्यक्ति से अपने कक्ष में 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। ACP द्वारा की गई इस कार्रवाई की जानकारी मिलते ही उपाधीक्षक राठौड़ के भ्रष्टाचार से त्रस्त लोगों ने कार्यालय परिसर में पेड़े बांटकर अपना आनंद जताया। अंजनगांव सुरजी के सावकरपुरा निवासी युवा उद्योजक की पत्नी ने खुद के घर में जहर घटक कर आत्महत्या कर ली है। यह घटना बीते सोमवार की रात घटित हुई। 32 वर्षीय प्रणाली पंकज मोदी ने आत्महत्या की, क्योंकि इसका कारण फिलहाल तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। जिले की दवा दुकानों में चोरी करने वाले एक कुख्यात चोर को ग्रामीण अपराध शाखा के दल ने 25 अप्रैल को धर दबोचा। इस कुख्यात चोर ने चोरी के 4 अपराध कबूल किए हैं। इस कुख्यात चोर का नाम गजानन डाबेराव बताया गया है। वरुड तहसील के बारगांव में अंजल उइके नामक युवक ने उसके दोस्तों को मृत्यु से पूर्व सूचना देने के बाद रेलवे पटरी पर जाकर आत्महत्या कर ली। यह घटना कल देर रात के समय उजागर हुई, परंतु आत्महत्या की वजह अब तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। राजापेट पुलिस थाना क्षेत्र के नवाथे परिसर में अम्बा एक्सप्रेस की चपेट में आने के कारण एक युवक की रेल के नीचे कटकर मौत हो गई। इस मृतक युवक की शिनाख्त 28 वर्षीय सागर गुधाने के तौर पर हुई है। कल मंगलवार की दोपहर 12 बजे मोर्शी से चांदू बाजार रोड पर मदापुर फाटे के निकट तेज गति से आ रही मोटरसाइकिल सड़क किनारे खड़े खंबे से जा भिड़ी। हादसे में बाइक पर सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायलों का मोर्शी उप जिला अस्पताल में इलाज जारी है। दरियापुर पुलिस थाना क्षेत्र के मूर्तियापुर रोड पर 45 वर्षीय महिला की रसवंती की दुकान है, जहां पर मोटरसाइकिल से आए 2 ठगबाजों ने अपने पास के रुपए दान में देना है और उन रुपयों को सोने के गहने टच करके 5 मिनट रखना है। ऐसा कहकर महिला के 27,000 रुपए के गहने एक कागज की पुड़िया में बांधे और हाथ की सफाई दिखाकर रफू चक्कर हो गए। 5 मिनट बाद महिला ने कागज की पुड़िया खोली तो उसमें मिट्टी निकली। राजापेट पुलिस थाना क्षेत्र के गोपालनगर चौक पर कुल्फी का व्यवसाय करने वाले कृष्णा प्रजापति को शुभम सोनोने व श्रीकांत ठाकरे ने धमकाते हुए पत्थर से मारने का डर बताया और व्यवसाय के 2,300 रुपए लूटकर फरार हो गए। 2 दिन बाद होने वाले बेटी के विवाह की पत्ती का बांट कर अपने घर वापस लौटने वाले पिता की एक हादसे में मौत हो गई। यह घटना मूर्तियापुर तहसील के मूर्ति फाटे के पास घटित हुई। मृतक व्यक्ति की शिनाख्त काशीराम मांझा के तौर पर हुई है। आप देख रहे थे मंडल न्यूज़ बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।